कोर्ट का एक बड़ा वर्डिक्ट आया है दिल्ली सरकार के फेवर में, जिसमें जो कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का वो नेशनल कैपिटल को दिया है, जो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, मतलब दिल्ली सरकार को दिया है। कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, आज का जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है वो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है, और इस जजमेंट के अनुसार दिल्ली में चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पास ही सत्ता है, के पास ही तमाम प्रशासनिक मशीनरी और बाबुओं की, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति है। यानी कि दिल्ली का बॉस दिल्ली के लोगों द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है। दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल या केंद्र सरकार द्वारा पैराशूट से भेजा गया कोई गैर निर्वाचित शख्स जैसे कि उपराज्यपाल कतई भी नहीं है। सारी शक्ति और सारी प्रशासनिक जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार के अधीन आती है। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सरकार कैसे चलानी है, कौन सी नीति आनी चाहिए और अफसरों की जवाबदेही, ये सारी की सारी चीजें चुनी हुई सरकार के अधीन आती है। अफसरों की जवाबदेही केंद्र में बैठी बीजेपी को नहीं है, अफसरों की जवाबदेही उपराज्यपाल को नहीं है, अफसरों की जवाबदेही आज से दिल्ली में चुनी हुई सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को। यही संवैधानिक स्ट्रक्चर भी है। लेकिन दिल्ली में आज से 8 साल पहले एक नशे में धुत केंद्र में बैठी, सत्ता के नशे में धुत केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तमाम शक्तियां और ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी और ढांचा हमसे छीन लिया था। 8 साल लगातार अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया, और उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐतिहासिक जीत आज हमें अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय से मिली है। मैं उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष को सलाम करता हूँ, और दिल्ली वालों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज दिल्ली वालों की जीत हुई है, देश के लोकतंत्र की जीत हुई है, और मुझे लगता है कि आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक सीख लेनी चाहिए, और सीख ये है कि चुनी हुई सरकारों का सम्मान करो। लोगों ने जो अपना मतदान देकर सरकारें चुनी हैं, अपना विश्वास जिन सरकारों में जताया है, उन सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास मत करो, उन सरकारों को संविधान और कानून के अनुसार चलने दो। जिस प्रकार से दिल्ली में बीते 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी, आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है, वो केवल और केवल गलत ही नहीं बल्कि असंवैधानिक है और बहुत दूषित राजनीति का परिचय देता है। मुझे लगता है आज के नतीजे से भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए, और 8 साल जो बीते 8 साल तक ये संघर्ष चलता रहा, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो काम रोकने का प्रयास किया, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, उसके लिए बीजेपी को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।